हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सिर्फ आईएएस। तो भाई बात कुछ ऐसी है कि सेक्शन 144 इम्पोज कर दिया गया है राजस्थान के अंदर ओवर कश्मीर फाइल्स। क्या है पूरी खबर जानेंगे, बट आइए शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें। अब देखिए एक्चुअली में न्यूज़ क्या है। न्यूज़ ये है कि यहाँ पे कश्मीर फाइल्स ये पिक्चर आप जान रहे हैं आजकल कितना ज़्यादा बिल्कुल चल रही है सिनेमा हॉल्स में। तो इसके चलते लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए डिस्ट्रिक्ट के अंदर इनका कहना है कि हमें ये जो भीड़ भाड़ है उसकी गैदरिंग, प्रोटेस्ट, असेंबलीज, प्रोसेशंस, इन सब को सस्पेंड करना पड़ेगा। क्या रीज़न है, क्यों ऐसा किया गया राजस्थान के अंदर, हम पूरी खबर को जानेंगे, बट उसके पहले आपके फ़ायदे की बात कर लेते हैं। देखिए अन अकेडमी सिविल सर्विसेज चैंपियनशिप होने वाली है अन अकेडमी पे 27th of March, दैट इज़ टुमारो। अगर आप इसमें फ्री में इनरोल कराते हैं बाय यूजिंग माय कोड सिर्फ आईएएस, जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आपको टेस्ट लेने पे सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन मिलने के साथ साथ स्कॉलरशिप और एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स भी मिल सकते हैं अप टू 15 crores। उसके साथ आपके आईएएस के ड्रीम को पूरा करने के लिए यहाँ पे अन अकेडमी पे है 20% ऑफ, लिमिटेड टाइम ऑफर है ये। 3 महीनों का एक्सटेंशन भी आपको मिलेगा और आप 54,000 प्लस अमाउंट सेव भी कर सकते हैं। इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप मेरा कोड सिर्फ आईएएस यूज़ करें फॉर गेटिंग डिस्काउंट। इसके साथ यहाँ पे अन अकेडमी लाइट की आप टेस्ट सीरीज़ भी ले सकते हैं जिसमें 50,000 से ज़्यादा इनरोलमेंट हो चुके हैं, बहुत ही अच्छी रेटिंग है, और इसमें भी यू यूज़ माई कोड सिर्फ आईएएस तो यू विल गेट 10% डिस्काउंट। ऑल द लिंक आर इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, गो एंड सब्सक्राइब राइट नाउ। तो देखिए मेन मसला क्या है, इनका कहना है कि देखिए सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए जो कश्मीर फाइल्स है ना, तो भाई इसके चलते यहाँ पे देखिए सीधा धारा 144 लगानी पड़ रही है सीआरपीसी की। रीज़न ये है कि भाई रिलीजियस फेस्टिवल्स आने वाले हैं, इनका कहना है कोटा डिस्ट्रिक्ट के अंदर, तो भाई हमें सेक्शन 144 सीआरपीसी का लगाना पड़ रहा है, और ये हम ट्यूसडे दैट इज़ March 22nd से April 21st तक लगाएंगे। तो ऑर्डर जो निकल के आया है इसमें ये था कि यहाँ पे जो क्राउड है, डिमॉन्स्ट्रेशन है, प्रोटेस्ट है, प्रोसेशन है, रोड मार्च है, हम सबको रोकना है। और एक ऑर्डर यहाँ पे 21st March का है, इशू करा गया है बाय द ऑफिस ऑफ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स, और यहाँ पे इसमें लिखा है, ये लेटर दिया गया है कोटा के SP को, इनमें कहना है कि आने वाले समय में इसको लगाना है। और आने वाले समय में हमारे कई सारे चीज़ें आ रही हैं, जैसे चेटी चंद और आपका श्री महावीर जयंती आ रही है, गुड फ्राइडे आ रहा है, बैसाखी आ रही है, जुमरतुल विदा आ रहा है। तो ये काफ़ी सेंसिटिव है कम्युनल पॉइंट से कि अब कश्मीर फाइल्स जो दिखाया गया है, अब इंसान कहीं उसमें आके कोई दंगे ना हो जाए, कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, इसके चलते यहाँ पे लगाया जा रहा है। तो ये एक बात है। अच्छा बाकी तो चीज़ें ये भी बताई गई हैं कि वहाँ पे बहुत सारे ऐसे चंबल रिवर में भी लोग बह गए हैं। अब ऑर्डर ये कहता है कि इन व्यू ऑफ दीज फैक्टर्स विद द कोटा बींग अ वेरी सेंसिटिव डिस्ट्रिक्ट, है ना, इन सबको देखते कोटा जो है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव डिस्ट्रिक्ट है जब यहाँ पे कम्युनल इशूज़ की बात आती है। तो भाई ऑब्वियस सी बात है, ऐसा हो सकता है कि भाई शांति भंग हो जाए, कोई दिक्कत हो सकती है, इसलिए ये हम लगा रहे हैं। और ये ऑर्डर आया है ना, ये ऑर्डर जो है वो कब से इन्फोर्स होगा, ये सुबह 6 बजे 22 मार्च की सुबह 6 बजे से हो चुका है, और ये मिडनाइट 21st April तक रहेगा। डायरेक्टर्स में देखिए 5 या उससे ज़्यादा लोग जो है वो एक जगह पे नहीं खड़े हो सकते। आपको पता है कि धारा 144 यही कहती है कि 5 या 5 से ज़्यादा व्यक्ति एक जगह पे नहीं गैदर हो सकते हैं। साथ में लोकल्स को भी बोल दिया गया है कि आप कोई ऐसा मटेरियल ना शेयर करें सोशल मीडिया पे जिससे शांति भंग हो, या कोई ऐसी चीज़ ना हो कि भाई कोई स्लोगन हो, है ना, ऐसे कोई गाना वाना आप इस तरह का कर रहे हो जिससे कम्युनल हेट्रेड बढ़े, ये सब कुछ ना किया जाए। यूनियन मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग अनुराग ठाकुर जी को टैग करते हुए यहाँ पे कश्मीर फाइल के डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री जी ने कहा कि डियर अनुराग जी, ए फिल्म ऑन राइट टू जस्टिस इज सब्जुगेटेड बाय स्टेट इन अ डेमोक्रेसी, व्हाट शुड वी थिंक ऑफ जस्टिस। तो इन्होंने बोला कि सिर्फ स्ट्रेंथ जो टेररिस्ट की है इज़ दैट दे क्रिएट फियर, है ना, ये डर पैदा करते हैं और हम डर जाते हैं। तो कश्मीर फाइल के व्यूअर्स को इन्होंने बोला इज़ इट दिस इज़ योर टाइम टू जस्टिस, ऐसा तो भाई इनका कहना है जो डायरेक्टर साहब हैं। अब बीजेपी की जो स्पोक्समैन है
रामलाल शर्मा जी, इन्होंने कहा कि क्या ये अटेम्प्ट है स्क्रीनिंग को रोकने का कश्मीर फाइल्स की? हाँ, अगर आप ऐसा रोक लगा रहे हो उस मूवी के ऊपर तो तब भी लोग जा सकते हैं, मूवी को देख सकते हैं थिएटर में। हाँ, इज़ नॉट थिएटर अ पब्लिक प्लेस टू? तो अब जो फेस्टिवल्स का जिनका नाम लिया गया है उस पर इनका ये तर्क था कि फेस्टिवल जो हैं वो पूरे स्टेट के अंदर होते हैं, बट एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर इशू कर रहे हैं ऑर्डर, इज़ नॉट जस्ट, ये सही नहीं है। सरकार को क्लैरिफाई करना चाहिए कि अगर इफ़ इट डज़ नॉट वॉन्ट सिटीजन टू वॉच द मूवी, कि भाई क्या ऐसा है कि ये पिक्चर नहीं दिखवाना चाहते हैं, बट इट इज़ नॉट सो, देन सच एन ऑर्डर शुड बी विदड्रॉन। अगर ऐसी बात नहीं है तो ऐसा ऑर्डर यहाँ पे वापस ले लेना चाहिए। तो सेक्शन नंबर CRPC धारा 144 को इम्पोज करने के लिए ये एक प्रिवेंटिव मेजर है। यहाँ पे कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप पिक्चर को नहीं देख सकते हैं या फेस्टिवल वगैरह को चलते, तो ये ऑर्डर जो इशू किया गया है ताकि सेफ्टी रहे आम इंसान की और पीस मेंटेन करी जाए, ऐसा कहा गया है। तो आपको क्या लगता है क्या नहीं, आपकी क्या राय इस बारे में, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और ऐसी वीडियो को देखने के लिए डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही। धन्यवाद। जय हिंद।